हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सीरीज आरएल सर्किट की कंप्लीट स्टडी करेंगे और ये आज एसी सर्किट का फोर्थ लेक्चर है। तो देखिए, सीरीज आरएल सर्किट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे लिख के रखा है, चलो अब इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है सीरीज एसी सर्किट और इसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सीरीज आरएल सर्किट। अभी हम फिलहाल सीरीज आरएल सर्किट स्टडी कर रहे हैं, आगे के वीडियोज में हम यहाँ पे सीरीज आरसी सर्किट भी स्टडी करेंगे और सीरीज आरएलसी सर्किट भी स्टडी करेंगे। तो आज का ये टॉपिक स्टडी करने के पहले आपको इसके पहले के वीडियो में हमने जो टॉपिक लिए थे उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में हमने एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, एसी थ्रू प्योर इंडक्टर एंड एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस स्टडी किए थे। वो अगर आपको पता है, उसकी अगर आपको पूरी जानकारी है, तो आज के वीडियो में हम जो कुछ भी बताने वाले हैं ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप याद से देख लीजिएगा, वो लेक्चर नंबर 3 था। वो लेक्चर स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि प्योर रेजिस्टेंस या प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा वो फेज में रहेगा या लैग करेगा या लीड करेगा, वो आपको उसमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये टाइप का जो टॉपिक है वो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं सीरीज आरएल सर्किट। तो जैसा यहां पे लिखा है सीरीज, देखो क्या लिखा है, सीरीज आरएल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज आरएल, इसका मतलब आर और एल जो है वो सीरीज में है। इसके पहले के वीडियो में हमने प्योर रेजिस्टेंस स्टडी किए थे, उसमें सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था। उसके बाद प्योर इंडक्टेंस स्टडी किए थे, उसमें सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस था। और प्योर कैपेसिटेंस के टाइम सर्किट में सिर्फ प्योर कैपेसिटेंस था। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर आर और एल जो है वो सीरीज में है। तो देखो ये सर्किट आप देख सकते हैं, इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आर और एल जो है वो सीरीज में है। देखो ये सर्किट में ये रेजिस्टेंस है जो कि ओम में, और ये जो है ये इंडक्टेंस है जो कि हेनरी में रहेगा। और ये हमने एक सर्किट यहां पे ड्रॉ किया है और इसके अक्रॉस हम यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये इक्वेशन है, वी इक्वल्स टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। वी माने वोल्टेज, वीएम माने मैक्सिमम वोल्टेज, साइन ओमेगा, ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी, टी माने टाइम। तो ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन कैसे बनता है वो हमने एसी सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल ये है, देखो सीरीज आरएल सर्किट में यहां पे अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का टॉपिक आया और अगर आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखना है तो देखो आपको क्या लिखना है। तो यहां पर स्टेटमेंट हम ऐसा लिखेंगे, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, देखो जो हम स्टेटमेंट बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरी तरह से अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज आर एल सर्किट, देन द रिजल्टिंग करंट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग एंड इट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ फाई। ठीक है, ये जो हमने अभी कहा है इसको अब आप समझ लो। हमने क्या कहा कि अगर आप सीरीज आर एल सर्किट के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर आप अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये जो करंट आए है ये अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, और ये अल्टरनेटिंग करंट जब सीरीज आरएल सर्किट में फ्लो होगा तो ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, करंट वोल्टेज को लैग करेगा। कितने डिग्री से? तो करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ फाइ। तो ऐसे में जो करंट फ्लो होगा, देखो करंट का इक्वेशन ये है, दैट इज आई इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइ। ठीक है, यहां पे आई माने करंट, आई एम माने मैक्सिमम करंट, ओमेगा माने अगेन वही एंगुलर वेलोसिटी, टी माने टाइम, और फाइ माने दैट इज फेज एंगल। फाइ यहां पे फेज एंगल है और यहां पे करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, ऐसे कंडीशन में यहां पे माइनस लगा है। अगर करंट वोल्टेज को लीड करता तो यहां पे प्लस होता है। ठीक है, फिलहाल यहां पे लैग कर रहा है। यहां पे करंट वोल्टेज को लैग क्यों कर रहा है? करंट वोल्टेज को इसलिए लैग कर रहा है क्योंकि यहां पे देखो आर के साथ सीरीज में क्या है, एल है। इसके पहले के टॉपिक में हमने आपको बताए थे कि सर्किट में अगर सिर्फ प्योर इंडक्टेंस अगर हो तो वहां पे करंट वोल्टेज को लैग कर रहा था बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर प्योर इंडक्टेंस अगर है तो, अगर प्योर इंडक्टेंस है तो करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90। लेकिन यहां पे ये प्योर फॉर्म में है क्या? नहीं, ये सीरीज फॉर्म में है। यहां पे आर और एल दोनों सीरीज में है तो यहां पे करंट वोल्टेज को लैग तो करेगा, ये कंफर्म है, लेकिन करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा। करंट वोल्टेज को कुछ ना कुछ फाइ एंगल से लैग करेगा। तो ये हमने यहां पर लिया है फाइ। 90 डिग्री से कब लैग करेगा? अगर सर्किट में सिर्फ प्योर इंडक्टेंस अगर हो तो फिर करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करेगा। लेकिन अगर प्योर फॉर्म में नहीं है, अगर वो सीरीज फॉर्म में आया तो वो हमेशा फाइ एंगल से लैग करेगा, जो कि हमने यहां पे शो किया है। ठीक है, तो जो हमने स्टेटमेंट कहा था वो हम आपको फिर से बता रहे हैं। हमने स्टेटमेंट ऐसा कहा था, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी
is applied across pure RL circuit, then the resulting current is also alternating and it lags the applied voltage by an angle of phi. ये हमने आपको स्टेटमेंट कहा था और इसके बारे में हमने आपको ये इतना इंफॉर्मेशन दे दिए. अब यहां पे आगे देखते हैं, ये तो कंफर्म है कि ये यहां पे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन ये रहेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा वो ये रहेगा. स्टैंडर्ड यहां पे इक्वेशन रहेगा आरएल सर्किट में. ठीक है, अब आपको वोल्टेज और करंट को शो करना है, तो वोल्टेज और करंट को आप इस तरह से शो कर सकते हैं. देखो, वोल्टेज को हमने शो किया है वी इक्वल्स टू वी एम एट एन एंगल ऑफ जीरो. जो वोल्टेज का इक्वेशन है उसमें कोई भी टाइप का फेज एंगल है क्या? नहीं है, इसलिए हमने यहां लिखा है वी इक्वल्स टू वी एम एट एन एंगल ऑफ जीरो होल्ट. और यहां पे जो करंट का इक्वेशन है उसमें करंट आई एम, देखो, और यहां पे एंगल क्या है? एंगल है फाई. तो हमने यहां लिखा है करंट को आप इस तरह से शो कर सकते हैं आई इक्वल्स टू आई एम एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ फाई, क्योंकि यहां पे करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई. ठीक है, तो यहां पे लैग कर रहा है इसलिए माइनस है. ठीक है, निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर लैगिंग. ओके, और अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो हमने यहां पे कहा होता कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है. ठीक है, लेकिन फिलहाल करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है इसलिए ये निगेटिव है. आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने कहा कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है. अगर आपने इसका उल्टा कहा तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है. ठीक है, आप कोई भी टाइप का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. करंट वोल्टेज को लैग करेगा तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज करंट को लीड करता है. ठीक है, तो ये हमने आपको इसके बारे में बता दिए. अब ये जो करंट है, ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, अगर ये करंट का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अगर आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आई का वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या रहेगा? देखो, आई का वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला आप ये यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू वी बाई जेड. वैसे करंट फाइंड आउट करने के लिए आप ओम्स लॉ का यूज करते हैं, करंट आई इक्वल्स टू होता है वी बाय आर. ओम्स लॉ का स्टैंडर्ड इक्वेशन आई इक्वल्स टू वी बाय आर. वी जो है उसका यूनिट होल्ट होता है और जो आर है उसका यूनिट ओहम होता है. इसका मतलब होल्ट बाय ओहम ऐसा होना चाहिए. तो ये देखिए, आई इक्वल्स टू वी बाय, हमने जेड लिखे यहां पे. जेड का क्या मतलब है? तो जेड मतलब होता है इंपीडेंस. वी ये जो है ये वोल्टेज है, इसका यूनिट रहेगा होल्ट, और ये जो जेड है, जेड का यूनिट होता है ओहम. ठीक है, जेड माने इंपीडेंस, इट इज द ओहम. और ये जेड एक्चुअली हमने क्यों लिखा है? जेड एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल. आर और एल का जो ओहम रहेगा उसका एडिशन माने जेड होता है. ठीक है, यहां पे ये जो आर है ये इसका यूनिट ओहम है, लेकिन एल का यूनिट देखो हेनरी है, हेनरी है. तो हमें क्या करना होता है? ये एल को, इसका मतलब ये हेनरी को ओहम में कन्वर्ट करना होता है. एक बार ये ओहम में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका ओहम और इसका ओहम को हमें ऐड करना होता है. दोनों का ओहम ऐड करेंगे तो फिर आप वो जेड के थ्रू ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हमने यहां जेड लिया है. जेड का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि आर और एल सीरीज में है. इसके पहले के वीडियो में ऐसा नहीं था. इसके पहले के वीडियो में जहां पे प्योर रेजिस्टेंस था वहां पे हमने आई इक्वल्स टू वी बाय आर ऐसा लिखे थे. प्योर इंडक्टेंस के टाइम हमने आई इक्वल्स टू वी बाय एक्सएल ऐसा लिखे थे. तो प्योर कैपेसिटेंस के टाइम आई इक्वल्स टू वी बाय एक्ससी ऐसा लिखे थे. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमें जेड का यूज करना है क्योंकि दोनों का ओहम ऐड करना है. जब कभी भी आपको दो तीन चार पांच कितने भी सीरीज में अगर ओहम है उनको अगर ऐड करना है तो आपको हमेशा जेड का यूज करना है. जेड इज कॉल्ड द इंपीडेंस, इसका यूनिट होता है ओहम. तो जैसा हमने कहा कि जेड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, तो देखो जेड को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. हम ऐसा लिखेंगे जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल. ठीक है, जे इज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, R ये जो है ये ऑलरेडी ओहम है, और ये जो L है, L जो हेनरी में था उसको हमने ओहम में कन्वर्ट किए तो वो हो गया XL. ठीक है, तो R प्लस जे XL आप इस तरह से एडिशन करके आप Z निकाल सकते हैं. ठीक है, और ये Z निकालने का एक और तरीका है. Z निकालने के लिए ये देखो हमने दूसरा फार्मूला लिखा है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. इसमें जे नहीं है, देखो इसमें जे इमेजिनरी पार्ट है जबकि इसमें नहीं है. अगर आप ये फार्मूले का यूज करते हैं तो आपको फेज एंगल फाई मिलता है, मैग्नीट्यूड भी मिलता है और फेज एंगल यहां पे फाई भी मिलता है. लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, आपको फेज एंगल फाई नहीं मिलता. ठीक है, लेकिन अगर आपको फेज एंगल फाई अगर आपको अलग से निकालना है, ये फार्मूला यूज करने के बाद अगर आपको फेज एंगल फाई अलग से निकालना है तो अलग से फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है. देखो ये हमने यहां पे लिखा है फेज एंगल फाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर. ये फार्मूले से आप अलग से फेज एंगल फाई निकाल सकते हैं. क्या कहा? ये जो फार्मूला आप यूज करेंगे, ये फार्मूले के थ्रू आप जेड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और जेड का फेज एंगल फाई भी निकाल सकते हैं. लेकिन ये फार्मूले के थ्रू आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, फेज एंगल निकालने के लिए आपको अलग से ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमने जेड को स्टडी कर लिया. ये जेड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एक्सएल, ये हमने इस तरह से यहां पे किए हैं. एक्सएल माने क्या है? तो एक्सएल माने इंडक्टिव रिएक्टेंस.
अगर सिर्फ L है तो L माने इंडक्टेंस, और अगर XL है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि ये जो X है, X stands for reactance. इसके पहले के वीडियो में भी हमने ये बात बताए थे, X माने रिएक्टेंस, X का यूनिट होता है ओहम, ठीक है. हेनरी को अगर आपको ओहम में कन्वर्ट करना है तो आपको X का यूज करना है, तो हमने यहां पे X का यूज किए. XL अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो ये XL आपको L का यूज करके फाइंड आउट करना है. तो XL फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है, देखो हमने यहां लिखा है XL फाइंड आउट करने का फार्मूला, दैट इज ओमेगा इंटू L. ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी, जो इसके पहले हमने बताए थे, ठीक है. और ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf. देखो यहां पे हमने स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है, ओमेगा का फार्मूला दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2πf. एफ माने फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो इसका यूज अगर आप यहां पे कर लेंगे तो एक्सेल का फार्मूला यहां पे बन गया 2πfL. ये फार्मूला हमने इसके पहले के वीडियो में भी हमने बताए थे, ठीक है. एक्सेल माने इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फार्मूला 2πfL, ठीक है. और एक्स का यूनिट क्या होता है, ये होता है ओहम, ठीक है. ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. तो ये हमने सेकंड यहां पे जो कॉलम है वो हमने स्टडी कर लिए, ओके. और अब आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब देखो ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसके तरफ आप ध्यान दो. यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां से यहां तक तो समझ लेते हैं, लेकिन उनको ये पार्ट समझने में दिक्कत होती है. तो ये अब समझना है, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई, तो उसके लिए आपको फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने ये ड्रॉ किया है. लेकिन उसके पहले यहां पे साइन वेव का फॉर्म क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं. देखो यहां पे साइनोसाइडियल वेवफॉर्म हमने यहां पे शो किया है. यहां पे आपको दो वेवफॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है. एक जो वेवफॉर्म है वो हम वोल्टेज का कहेंगे, और दूसरा जो वेवफॉर्म है वो हम करंट का कहेंगे. तो जो 0 डिग्री से जो स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 डिग्री से जो स्टार्ट हो रहा है वो है वोल्टेज का वेवफॉर्म, ठीक है. और ये जो डॉटेडली जो आपको वेवफॉर्म दिखाई दे रहा है ये है करंट का वेवफॉर्म. देखो वोल्टेज और करंट दोनों का वेवफॉर्म हमने यहां पे आपको शो किया है. ये है साइनोसाइडियल वेवफॉर्म. अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है. देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर वो अपना वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है. लेकिन जो करंट का जो वेवफॉर्म है, देखो जो हमने डॉटेड लाइन के थ्रू जो शो किया है, तो जो करंट का वेवफॉर्म है वो 5 डिग्री एंगल, देखो 5 डिग्री एंगल के बाद यहां पे करंट का वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है. देखो 5 यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है फेज एंगल 5, ठीक है. ये जो करंट का वेवफॉर्म है वो 5 डिग्री एंगल के बाद स्टार्ट हो रहा है, और वो फिर अपना वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है. इसका मतलब यह है कि वोल्टेज जो है वो अपना साइकिल पहले कंप्लीट कर रहा है, और जो करंट है वो अपना साइकिल 5 एंगल के बाद में कंप्लीट करेगा, ठीक है. यहां पर एंगल अगर 5 है तो जाहिर सी बात है इधर में जो डिफरेंस होगा उसमें भी एंगल फाई रहेगा. इधर में फाई का डिफरेंस है तो उधर भी फाई का डिफरेंस है, ठीक है. लेकिन पहले दोनों में से पहले कौन अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो साइन वेव है वो अपना साइकिल पहले कंप्लीट करेगा, और जो करंट है, करंट अपना साइकिल जो है वो फाई एंगल के बाद में कंप्लीट करेगा. इसका मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है तो करंट पीछे चल रहा है. इसका मतलब वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, या उल्टा बोलो कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है. वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई, या इसको उल्टा बोलो करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई, ठीक है. हमने आपको दोनों तरह से बता दिए, वोल्टेज करंट को लीड करता है या उल्टा करंट वोल्टेज को लैग करता है, ठीक है. इस तरह से यहां पे फेज एंगल है फाई. तो ये हमने आपको साइनोसाइडियल वेवफॉर्म के बारे में बता दिए. लेकिन अब हमें अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहां पे देखो, यहां पे हमने तीन डायग्राम ड्रॉ किए हैं. एग्जाम में आपको तीनों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो तीनों ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, कोई भी एक ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है. अब देखो ये जो फेजर डायग्राम है इसको पहले हम समझ लेते हैं. तो यहां पर जो है, यहां पर हमने इसको प्योर फॉर्म में लेके यहां पर सॉल्व किया है. सबसे पहले यहां पे देखो, ये जो हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग, देखो रेफरेंस के अलोंग हमने करंट को रखा है, ठीक है. रेफरेंस में किसको रखना है ये पूरा चॉइस आपका है. या तो आप करंट को रेफरेंस में रखो, या तो आप वोल्टेज को रेफरेंस में रखो, चॉइस पूरा आपका होता है, ठीक है. तो यहां पे हमने जो टोटल करंट है, जो मेन करंट है, ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसको हमने रेफरेंस के, यहां पर रेफरेंस एक्सिस के अलोंग रखा है. इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, ठीक है. और यहां पे देखो हमने लिखा है VR, VL, ठीक है. VR माने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VL माने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, ठीक है. यहां पे ये जो सर्किट है, यहां पे हम वो VR और VL शो करते हैं. देखो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो है VR, और ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा दैट इज VL. और दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको टोटल वोल्टेज V मिलता है, ठीक है. तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किए, यहां पर रेफरेंस एक्सिस के अलॉन्ग यहां पर करंट को रखा है. और अब यहां पे अब इसको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि प्योर फॉर्म में क्या होता है. प्योर रेजिस्टेंस अगर है तो क्या होता है, प्योर इंडक्टेंस अगर है तो क्या होता है. अब यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो. क्या कहा हमने, हमने कहा था कि प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब कभी भी आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा वो जब भी प्योर रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा तो करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा. आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं
कि अगर करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा तो वोल्टेज भी करंट के फेज में रहेगा। ऐसे में जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है VR वो करंट के फेज में रहेगा। तो देखो हमने यहां पे इसी तरह से शो किया है, देखो ये करंट को हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया है और ये लिया है VR, इट मींस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज है VR ये करंट के फेज में है। ठीक है, ये हमने प्योर रेजिस्टेंस के बारे में बता दिए। और अब देखते हैं इंडक्टेंस, अगर प्योर इंडक्टेंस है तो क्या था, तो हमने बताए थे कि प्योर इंडक्टेंस के अक्रॉस जब कभी भी आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग रहेगा और ये करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर प्योर इंडक्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो करंट वोल्टेज को लैग करता है बाय 90 डिग्री, या इसको उल्टा बोलो कि वोल्टेज करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्री। क्या कहा, वोल्टेज करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्री प्योर इंडक्टेंस अगर है तो। तो ये देखिए प्योर फॉर्म में अगर हम चेक करें तो प्योर फॉर्म में L के अक्रॉस का वोल्टेज है VL, और ये VL, ये जो VL है ये करंट को लीड करेगा बाय 90 डिग्री। ये हम आपको प्योर फॉर्म में बता रहे, ये जो वोल्टेज VL है ये करंट को लीड करेगा बाय 90। तो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये देखिए VL, ये हमने करंट को यहां पे लीडिंग पोजीशन में शो किया है बाय 90। और इसके पहले के वीडियो में हमने जैसा कहा था, जब कभी भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो लीडिंग पोजीशन ड्रॉ करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है और लैगिंग पोजीशन आपको शो करने के लिए आपको ऐसा क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो यहां पे जो VL है वो VL करंट को हमें लीडिंग पोजीशन में शो करना है बाय 90 डिग्री, इसलिए हम ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चले, देखो इस तरह से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है इसलिए यहां से यहां तक एग्जैक्टली हमने ये जो VL है ये आई के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर शो किया है। ठीक है, तो जो ये VR है ये है प्योर फॉर्म का यहां पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये है VL प्योर फॉर्म में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। ठीक है, और जैसा हमने कहा था कि VR और VL को अगर आप यहां पे ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल वोल्टेज भी मिलता है, तो यहां पे वही किया है। ये देखो ये जो VR का जो फेजर है और जो VL का फेजर है उसको एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस यहां पे ड्रॉ किया है। देखो VR के फेजर को एग्जैक्टली पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ किया है और VL के फेजर को एग्जैक्टली पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ किया है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किए वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप ये टोटल वोल्टेज शो कर रहे हैं। टोटल वोल्टेज V का फेजर हमने यहां पे शो किया है और ये जो टोटल वोल्टेज V है ये करंट को यहां पे लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई। देखो लीड ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लीड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वोल्टेज है वो करंट के, ये देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में है। हमने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो लीडिंग है, तो ये देखिए ये जो वोल्टेज है ये करंट के ऊपर आपको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको ये V दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो यहां पे अगर आपको पूरा डिटेल में अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो एग्जाम में आप ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन अगर आपको डिटेल में पूरा ड्रॉ नहीं करना है, आपको जस्ट वोल्टेज और करंट का अगर आपको फेजर शो करना है तो आप वो भी शो कर सकते हैं। इतने इसमें से सिर्फ क्या करो, इतने इसमें से सिर्फ करंट का फेजर और वोल्टेज का फेजर बाहर निकालो, इसका मतलब ये एक एरो और ये एक एरो बाहर निकालो। तो अगर आप ये दो एरो को अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये फेजर डायग्राम बनता है। देखो ये करंट का फेजर, ये देखो, और ये वोल्टेज का फेजर, ठीक है, और ये वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है बाय एंगल ऑफ फाइ। तो हमने यहां पे शो किया है, देखो ये वोल्टेज का फेजर और ये करंट का फेजर। ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम देख के भी हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है बाय एंगल ऑफ फाइ, या इसको उल्टा कहो कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एंगल ऑफ फाइ। तो ये फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ये फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये फेजर डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो हम यहां पे और लिख लेंगे और, ठीक है, आपको ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बजाय अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो ये भी चलता है, यहां से भी आपको बिल्कुल वही दिखता है। इसमें बस ये हमने किया है, इसमें हमने वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया है, यहां पे करंट रेफरेंस एक्सिस के अलोंग था, यहां पे भी करंट आपको रेफरेंस एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, लेकिन यहां पे वोल्टेज जो है वो रेफरेंस एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। तो ये देख के हम कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एंगल ऑफ फाई। तो ये देखिए यहां पे आपको लैगिंग पोजीशन आपको शो करना है, तो वो हमने कहा था कि क्लॉकवाइज शो करना है। तो ये देखो यहां पे वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिए तो इसके क्लॉकवाइज चलो, देखो ये हमने क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहां पे फेज एंगल फाई के साथ ये करंट यहां पे लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एंगल ऑफ फाई। हमने यहां पे देखो ऐसा क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि ये लैगिंग पोजीशन में है इसलिए। तो तीनों फेजर डायग्राम से मीनिंग एक ही निकलता है, आप चाहे तो एग्जाम में ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, चाहे तो ये ड्रॉ करो, चाहे तो ये ड्रॉ करो। ठीक है, यहां पे आप ऐसा कह सकते हैं ये फेजर डायग्राम से कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, या उल्टा बोलो करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है। ये फेजर डायग्राम देख के भी आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, या उल्टा बोलो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। हम आपको दोनों तरह से बता रहे हैं क्योंकि आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। ये जो फेजर डायग्राम है
जिसमें हमने करंट को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया है, ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, उसके थ्रू भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमने सीरीज आरएल सर्किट में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पे स्टडी कर लिया है। ये आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें अगर आपको पता है, ये सभी फॉर्मूलेज अगर आपको पता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो आरएल सर्किट का हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आरएल सर्किट में हमेशा ये बात ध्यान में रखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आरएल सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सीरीज आरएल सर्किट के अक्रॉस जब कभी भी आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग करंट रहेगा वो भी अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहेगा, और ये करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ फाई। ये हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसी में कंफ्यूज होते हैं कि करंट वोल्टेज को लीड कब करता है या करंट वोल्टेज को लैग कब करता है। तो यह सब कुछ डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर कि सर्किट आरएल सर्किट है या आरसी सर्किट है कि आरएलसी सर्किट है, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने आज के वीडियो में आरएल सर्किट पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। तो ये सर्किट, ये फॉर्मूलेज, ये फेजर डायग्राम, ये सब कुछ आपको अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आने वाले दिनों में जब हम इसके प्रॉब्लम्स लेंगे तो वहां पे ये सभी फॉर्मूलेज का यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ये हमने पूरी तरह से सीरीज आरएल सर्किट स्टडी कर लिए। इसके आने वाले वीडियोज में हम सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट भी स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।